हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कैरेबियन प्रीमियर लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स वर्सेस बार्बाडोस रॉयल्स के बीच में, सेंट किट्स के वॉर्नर पार्क स्टेडियम के अंदर 3 सितंबर को सुबह के 4:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। उससे पहले आज शाम को 7:30 बजे सेंट लूसिया वर्सेस गयाना का मुकाबला होने वाला है। और मेरे हिसाब से उस मुकाबले के अंदर एडवांटेज रहेगा गयाना अमेजोन वॉरियर्स की टीम को। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पे आपको कैरेबियन प्रीमियर लीग के मुकाबलों के अलावा इंग्लैंड इंडिया के मुकाबले, श्रीलंका साउथ अफ्रीका के मुकाबले, बांग्लादेश न्यूजीलैंड के मुकाबले और भी काफी सारे मुकाबलों की फैंटेसी टीम मिलती रहती है। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपको टॉस के बाद पिच रिपोर्ट, ग्रैंड लीग के स्टैट्स और मैच प्रिडिक्शन मिले तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो स्पोर्ट्स कॉप प्रीमियम के ऊपर। वहां पे आपको ये सारी की सारी जानकारी केवल महीने के 150 रुपए के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों के ऊपर मेरे को टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो ये जो पिच है इनमें बल्लेबाजी करना आसान बिल्कुल भी नहीं है और बॉल काफी रुक रुक के बैट के ऊपर आता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के बारे में, जो कि लगातार अपने 4 में से 4 मुकाबले जीत चुका है और ये टीम बहुत ही शानदार फॉर्म में लग रही है। इस टीम के सबसे अच्छे प्लेयर है शर्फेन रदरफोर्ड, जो कि 4 में से 3 मुकाबलों के अंदर हाफ सेंचुरी मार चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट है 144 से ऊपर का। तो रदरफोर्ड ने अकेले दम पे इस टीम को इतने सारे मुकाबले जिताए हैं। इवन लुइस भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस टीम के लिए, हालांकि एक ही हाफ सेंचुरी मारी, लेकिन उसके अलावा भी इवन लुइस की बल्लेबाजी बहुत ही शानदार रही है इस टीम के लिए। डेवन थॉमस बड़ी थोड़ी स्लो बल्लेबाजी करते हैं, पर ओपनिंग करते हुए डेवन थॉमस भी एक काफी रिलायबल बल्लेबाज है इस टीम के अंदर। और फेबन एलन के रूप में काफी शानदार फिनिशर है इस टीम के पास, उनको केवल 2 बार बल्लेबाजी का मौका मिला और दोनों बार एलन ने बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजी करी। उसके अलावा वो गेंदबाजी के अंदर भी 3 विकेट निकाल चुके हैं इस टीम के लिए। अगर मैं आपसे बाकी के बारे में बात करता हूं तो ड्वेन ब्रावो ने भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट निकाले। उसके अलावा जब जब उनको बैटिंग का मौका मिलता है, ब्रावो बल्लेबाजी भी काफी शानदार करते हैं इस टीम के लिए। गेंदबाजी में डोमिनिक ड्रेक्स को 7 विकेट मिल चुके हैं इस टीम के लिए। ड्रेक्स की तेज गेंदबाजी बहुत ही शानदार रही है, साथ ही के अंदर पिछले मुकाबले के अंदर पॉल वेन मिकिरन ने भी काफी अच्छा स्पेल डाला। मिकिरन एक काफी अच्छे तेज गेंदबाज हैं और शेल्डन कॉटरेल के रूप में एक और काफी शानदार विकेट टेकर है सेंट किट्स के पास में। तो सेंट किट्स की टीम काफी शानदार फॉर्म में लग रही है, टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी शानदार है, एलन ने फिनिश काफी अच्छा किया है, उसके अलावा इनकी गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं सेंट किट्स की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं इवन लुइस और डेवन थॉमस, नंबर 3 पे आसिफ अली, नंबर 4 के ऊपर शर्फिन रदरफोर्ड, नंबर 5 पे रवि बोपारा, नंबर 6 पे फेबन एलन, नंबर 7 के ऊपर डीजे ब्रावो, फिर फवाद अहमद, पॉल वेन मिकिरन, शेल्डन कॉटरेल, डोमिनिक ड्रेक। जरूर से ये टीम लगातार अपने 5 में से 5 मुकाबले जीतना चाहेगी, ये टीम काफी शानदार फॉर्म में चल रही है। अब मैं आपसे बात करता हूं बार्बाडोस रॉयल्स के बारे में, जो कि अब तक केवल 4 में से 1 ही मुकाबला जीत पाई है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है बार्बाडोस की टीम के लिए। बार्बाडोस की टीम की बैटिंग अब तक बिल्कुल खास खेल नहीं पाई है। आजम खान इस टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं 150 रनों के साथ में, उनका स्ट्राइक रेट भी काफी शानदार है, पिछले मुकाबले के अंदर भी हाफ सेंचुरी मारी आजम ने। और ग्लेन फिलिप्स भी काफी डिसेंट बल्लेबाजी कर रहे हैं इस टीम के लिए, वो एक हाफ सेंचुरी मार चुके हैं और वो टीम के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी कुछ खास कर नहीं पा रहा, फिर चाहे वो शे होप हो, जॉनसन चार्ल्स हो, काइल मेयर्स हो, इनमें से एक भी बल्लेबाज अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर नहीं पाया है। अगर टीम को मुकाबला जीतना है तो बैटिंग को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर। अगर मैं आपसे बात करता हूं गेंदबाजी के बारे में, तो मोहम्मद आमिर इस टीम के
यानी 6 विकेट निकाल चुके हैं, वो इस टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अपनी गेंदबाजी के साथ में। ओशेन थॉमस को भी 4 विकेट मिले हैं, लेकिन पहले मुकाबले के बाद ओशेन थॉमस की गेंदबाजी भी कुछ खास कर नहीं पाई है। जेसन होल्डर अब तक केवल 3 विकेट ले पाए, उसके अलावा उनकी बैटिंग में कुछ खास नहीं रही। होल्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टीम का, उनको इस मुकाबले के अंदर अच्छा खेलना पड़ेगा। जोशुआ बिशप को मौका मिला पिछले मुकाबले के अंदर और उन्होंने 3 विकेट निकाले इस टीम के लिए। तो बारबाडोस की टीम की गेंदबाजी भी कुछ खास वैसे नहीं रही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और बैटिंग तो पूरी तरह से फ्लॉप रही है। मुझे लगता है इस मुकाबले में टीम थिसारा परेरा का मौका दे सकती है, वो नंबर 7 पे बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी भी काफी डिसेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं बारबाडोस की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं जॉनसन चार्ल्स और शे होप, नंबर 3 पे ग्लेन फिलिप्स, नंबर 4 पे जेसन होल्डर, नंबर 5 पे काइल मेयर्स, नंबर 6 पे आजम खान, नंबर 7 पे थिसारा परेरा, फिर जोशुआ बिशप, हेडन वॉल्श, मोहम्मद आमिर, ओशेन थॉमस। जरूर से बारबाडोस के लिए भी काफी बड़ा मुकाबला है। आप कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी सेंट किट्स, वो टीम होगी बारबाडोस, बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली है स्क्रीन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से वापस से एडवांटेज रहेगा इस मुकाबले के अंदर सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स की टीम को। इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों काफी शानदार रही है, इनका पलड़ा भारी रहेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद लाइक से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।